मुंबई हमले पर बयान देने के बाद हसन गफूर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि गफूर का बयान अनुशासन के खिलाफ है। हम आपको बता दें कि मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर गफूर एक पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में 26/11 के दौरान कुछ पुलिस अधिकारियों के काम की आलोचना कर चुके थे। मुंबई हमलों पर दिए गए बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हसन गफूर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि आतंकी हमले पर सार्वजनिक रूप से बयान देना अनुशासन के खिलाफ है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब हसन गफूर ने एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर अफसरों पर हमले के दौरान कोताही बरतने का इल्जाम लगाया था। आई थिंक द पुलिस फोर्स इज अ हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस डजंट फिट इन टू द डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गफूर ने इस इंटरव्यू में कहा था कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस केएल प्रसाद ने आतंकियों के निशाने पर आए ट्राइडेंट होटल पहुंचने से इनकार कर दिया। वहीं तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर के वेंकटेशम, देवेंद्र भारती और परमवीर सिंह भी हालात के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। गफूर ने ये भी कहा है कि 28 नवंबर 2008 को एक बैठक में गृहमंत्री और महाराष्ट्र के डीजीपी ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगी एनएसजी को भी हटाने का सुझाव दिया था। गफूर के इस बयान से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पद से हटाते हुए हसन गफूर का तबादला कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की मुश्किल ये है कि मुंबई हमले पर राम प्रधान कमेटी की पूरी रिपोर्ट विधानसभा में रखी जानी है। ऐसे में हसन गफूर को बनाए रखना सरकार की परेशानी बढ़ा सकता था। राज्य सरकार का यह कहना है कि अगर हसन गफूर को अपने साथी अफसरों के बारे में कुछ कहना था तो वो सीधे तौर पर राज्य सरकार को अपने रिपोर्ट में ही बता देते, ना कि मीडिया के सामने बयानबाजी करके उनके ऊपर कीचड़ उछालती। और इसी वजह से राज्य सरकार हसन गफूर से नाराज है और उनके कार्रवाई करने का मन बना रही है। बस इंतजार है तो एक मौके का। राहुल माजनी, मुंबई आज तक।